नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। बात कर लेते हैं, आज यूपी में पांचवें चरण के मतदान हो रहे हैं। बता दें कि चौथे चरण के बाद अब पांचवें चरण की बारी आ गई है, जहां 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 693 प्रत्याशियों की साख दांव पर लगी हुई है। आपको बता दें कि यहां मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां लोग बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। आपको बता दें कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो वहीं हम आपको स्क्रीन पर पांच तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा देते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग जिलों में हो रहे मतदान को लेकर किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बहराइच में आप देख सकते हैं प्रशासन की पूरी तरह से मुस्तैदी नजर आ रही है, जिसके साथ वहां लोग वोट कर रहे हैं। आपको बता दें कि बूथों को अच्छी तरीके से सजाया गया है। आपको बता दें कि वहीं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रतापगढ़ में भी चुनाव माहौल बहुत गर्म हो चुका है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी के 12 जिलों के 61 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। बता दें कि यहाँ लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल के साथ वोट डाल रहे हैं, सैनिटाइजर करके लोग बूथों के अंदर घुस रहे हैं, उसके बाद लंबी लंबी लाइनों में लग अपने वोट डालने की बारी का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद वो अपने वोट डाल रहे हैं। आपको बता दें कि 10 मार्च को इन सभी चुनावी नतीजों का परिणाम आ जाएगा, जिसमें पता लगेगा कि किसके हाथ बाजी लगी है। आपको बता दें कि इसी में बता देते हैं कि प्रयागराज, बाराबंकी, प्रतापगढ़, गोंडा की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां लोग लंबी लाइनें लगाकर वोट डालने आए हैं। तो वहीं लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके बाद लोग वोट डालने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। ये आपको बता दें कि मताधिकार वोटर्स विकास या बदलाव के लिए वोट डालने आए हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगकर वोट डाल रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, मास्क के साथ लंबी लाइनों में लगकर वोट डालने आ रहे हैं। तो वहीं लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बहराइच में 7 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जहां जिलाधिकारी ने बताया है कि मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग उत्साहित होकर घर से निकलकर मतदान करने पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्र के बाहर जागरूक मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बहराइच में वहीं नानपुरा विधानसभा में बहुत सारे मतदाता मतदान कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। तो वहीं कुछ मतदाताओं के वहां पर पर्चियों में नाम ना आने से उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में भी भारी संख्या में लोग लाइन लगाकर मतदान कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करने पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में भी आप देख सकते हैं कि लोग और महिलाएं भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां वोटिंग के लिए पहुंच रही हैं, अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। बाराबंकी में सुबह सुबह से ही लोगों की लंबी लाइन लग गई थी। बता दें कि कुछ मतदान केंद्रों पर थोड़ी सी मतदान होने में लेट हुआ था, लेकिन इसके बाद अब वहां मतदान किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में भी कई महिलाएं बढ़ चढ़कर इस मतदान दिवस पर हिस्सा बन रहे हैं, जहां लोग भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं और लंबी लाइनें लगाकर वोट डाल रहे हैं। बता दें कि पांचों जिलों में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे लोग अपने मताधिकार का यूज कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अपने वोटों को डाल रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी के ये रण चल रहा है, जहां पांचवें चरण का चुनाव चल रहा है। कुल 692 प्रत्याशियों की साख दांव पर लगी है इस मतदान में। आपको बता दें कि 2 करोड़ से ज्यादा यहां पर वोटर्स हैं, जो इस मतदान
इस मतदान दिवस पर पांचवें चरण में अपने वोटों का प्रयोग करेंगे, अपने वोट डालेंगे, मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो वहीं महिला मतदाताओं की गिनती अगर आपको बता दें तो वो 1.04 करोड़ से पार है। आपको बता दें कि 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं हैं जो आज मतदान करने में अपना आज मतदान के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो वहीं थर्ड जेंडर के 1752 वोटर्स हैं। आपको बता दें कि पुरुष कांग्रेस के 43% महिलाओं को टिकट दिया है इस चुनाव में। इस चरण में कांग्रेस ने 43% महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें कि ये यूपी का पांचवा चरण है जहां 12 जिलों में चुनाव चल रहा है। आपको बता दें कि 61 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। बड़े बड़े सियासी चेहरे, दिग्गज चेहरों के साख दाव पर लगी है। बड़े बड़े सियासी दिग्गज चेहरे मतदान करने के लिए पहुंच गए हैं। तो वहीं इन चेहरों में नंद गोपाल नंदी इलाहाबाद से हैं। आपको बता दें कि पांचवें चरण में 61 सीटों में 90% सीटों पर बीजेपी ने पिछली बार कब्जा किया था। वहीं योगी सरकार के कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पांचवें चरण में चुनाव के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिरातू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिर्फ मोती सिंह पट्टी सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से प्रत्याशी हैं। तो वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिण से चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि इन चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आराधना मिश्रा रामपुर खास से मैदान चुनावी मैदान में है। बता दें कि सपा के 60 में से 42 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमा है। इस चरण में सपा के 42 प्रत्याशियों पर ये मुकदमे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के बीएसपी के 61 में से 23 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमा चल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के 61 में से 23 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमा चल रहा है और इस बार वे चुनावी मैदान में हैं। पांचवें चरण की वोटिंग की जा रही है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि वहीं 231 ऐसे प्रत्याशी हैं जो पांचवी से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर चुके हैं। आपको बता दें सिर्फ 12वीं कक्षा तक पास हैं। ऐसे उम्मीदवार हैं जो अशिक्षित हैं, 6 ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो अशिक्षित हैं, जो पढ़े नहीं हैं। तो वहीं 32 उम्मीदवारों ने खुद को केवल बता दें कि 248 ऐसे प्रत्याशी हैं जिसमें 368 ऐसे प्रत्याशी हैं जिसमें 41 साल से 60 साल की उम्र है। आपको बता दें कि ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी उम्र दराज ज़्यादा भी हो चुकी है। 248 हैं ऐसे प्रत्याशी जिनकी उम्र 25 से 40 की बताई जा रही है। तो वहीं 368 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी 41 साल से 60 साल की उम्र बताई जा रही है और वह इस चुनावी मैदान में है जिसके लिए आज जनता वोट कर रही है। बड़ी भारी मात्रा में जनता उत्सुक होकर मतदान बूथों पर पहुंच रही है और अपने मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी से 72 प्रत्याशी करोड़पति हैं जिनके पास काफ़ी पैसा है। कांग्रेस के 49 प्रत्याशी ऐसे हैं जो करोड़पति की लिस्ट में आते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा है। आपको बता दें कि जो चुनावी मैदान में हैं और लोगों के सामने वोट मांग रहे थे तो अब वह चुनाव मैदान में है जिसके बाद लोग आज उनको वोट करने के लिए भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आज 61 सीटों पर यह चुनाव चल रहा है जहां बड़े बड़े सियासी दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आपको बता दें कि आज यूपी में 12 जिलों पर 61 विधानसभा पर चुनाव हो रहा है। 12 जिले हैं जहां 61 विधानसभा पर चुनाव लड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि यहां पर यूपी विधानसभा के आज अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौसाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, सरस्वती और गोंडा में मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि ये सभी 12 जगहें हैं जहां आज मतदान चल रहा है। अमेठी में मतदान किया जा रहा है, रायबरेली में मतदान किया जा रहा है, यूपी में जो
वीआईपी सीटों पर आज मुकाबला है। उनमें से आपको नाम बता देते हैं कि रामपति शास्त्री हैं, रामेश चंद्र गौतम हैं, ऐसे में संतोष कुमारी हैं जिनका आज है अब्बास अली। आपको बता दें कि इन बड़ी सीटों पर मुकाबला है, जिसमें आपको नाम बता देते हैं कि हम कुंडा से रघु राज प्रताप सिंह, राजा भैया, गुलशन यादव, योगेश यादव, इन बड़ी सियासी नेताओं का मुकाबला है। आपको बता दें कि रामपुर खास से नागेश प्रताप सिंह हैं, आराधना मिश्रा हैं जिनकी सीटों पर आज मुकाबला है। आपको बता दें कि सराठू से केशव प्रसाद मौर्य हैं, पल्लवी पटेल हैं, सीमा देवी हैं, तो वहीं इन बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का आज मुकाबला हो रहा है। इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, ऋचा सिंह हैं, तस्लीमुद्दीन हैं, ये बड़े बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनका आज चुनावी मैदान में मुकाबला है, जिनके लिए आज लोग भारी मात्रा में बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। आपको बता दें कि आज मतदानों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, बड़े बड़े सियासी चेहरे, दिग्गज चेहरों के आज मतदान है। तो वहीं यूपी से 6 मंत्रियों की, यूपी योगी सरकार के 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। यूपी में 5वें चरण का चुनाव हो चल रहा है, तो वहीं बड़े बड़े सियासी राजनेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आपको बता दें कि इनमें से योगी सरकार के 6 मंत्री हैं, ऐसे हैं जिनके लिए जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। लोकतंत्र के इस महापर्व में सियासी दिग्गज भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार के कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, ऐसे में 5वें चरण में चुनाव में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सराठू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मोती सिंह पट्टी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता देते हैं कि वहीं स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हमारे सामने 3 स्क्रीन चल रही हैं, जहां नंद गोपाल नंदी पूजा अर्चना करके वोट डालने पहुंचे हैं, तो वहीं संगम लाल गुप्ता ने भी वोट डाला है, जहां सिद्धार्थ नाथ सिंह भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वोट अपने मताधिकार का प्रयोग करने वो बूथ पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि तीनों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि नंद गोपाल नंदी पूजन अर्चना करके अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बूथ पे वोट डालने से पहले पूजा अर्चना की है। उसके बाद दूसरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं संगम लाल गुप्ता, जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद अपने निशान को दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि उन्होंने वोट डाल दिया है, भारी मात्रा में, भारी संख्या में लोग वोट डालने पहुंचे, अपने निशान दिखाते वक्त उनका यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बूथ पर पहुंचें और वोट डालने आए। तो इसी कड़ी में सिद्धार्थनाथ सिंह भी आप देख सकते हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह भी अपना मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं, वोट डालने पहुंचे हैं, अपने परिवार के साथ वहां वोट डालने आए हैं। आपको बता दें कि तीनों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूपी के बड़े बड़े दिग्गज राजनेता भी वोट डालने पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं, जहां नंद गोपाल नंदी पूजा अर्चना के बाद वोट डालने पहुंचे, जिसके बाद संगम लाल गुप्ता ने वोट डालने के बाद लोगों को निशान दिखाया और लोगों को कहा है कि लोगों को उद्देश्य दिया है कि लोग भारी संख्या में, बड़ी संख्या में पहुंचें और वोट डालें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, बदलाव के लिए वोट डालें, विकास के लिए वोट डालें। तो इस कड़ी में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिद्धार्थनाथ सिंह भी वोट डालने पहुंचे हैं, अपने परिवार के साथ उन्होंने वोट डाला है, उन्होंने उनका यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस 5वें चरण के लिए मतदान करें। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने सुबह भगवान की पूजा अर्चना की, उन्होंने मतदान किया, उसके बाद उन्होंने कहा है कि
बीजेपी की सरकार में शासन का राज है, गुंडे सारे बिल में घुसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा लगा होता है, उस गाड़ी में यदि मान लिया जाता था कि इसमें कोई गुंडा बैठा है, उन्होंने समाजवादी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि वोट डालने के बाद, लोगों को निशान दिखाने के बाद, पूजा अर्चना के बाद पहले उन्होंने वोट डाला, उसके बाद वे सपा समाजवादी पार्टी सरकार पर हमलावर हुए। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उन्होंने सपा सरकार सपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इनके राज में, समाजवादी पार्टी के राज में, गुंडे राज करा करते थे। आपको बता दें इसी कड़ी में सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी वोट डाला है। उन्होंने लोगों को अपनी सरकार के काम गिनाए हैं, तो वहीं उम्मीदवारी में अपने लिए भी उन्होंने वोट डाला है। आपको बता दें कि लोगों से उन्होंने उद्देश्य दिया है कि भारी संख्या में लोग बूथ पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आजादी नहीं है और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज 5 लाख से ज़्यादा लोगों की नौकरी लगी है और आदमी छाती ठोक के कहता है एक पैसा नहीं देना पड़ा है। चाहे यादव के बेटे बेटी की नौकरी लगी हो, चाहे वैश्य के बेटे बेटी की नौकरी लगी हो, चाहे ब्राह्मण के बेटे बेटी की नौकरी लगी हो, सभी समाज, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के बेटे बेटी की नौकरी लगी है और आदमी छाती ठोक के कहता है एक पैसा, यहाँ मेरिट का सम्मान है। यह आज़ादी नहीं है। यूपी में 5वें चरण के मतदान चल रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अपना वोट, अपने मताधिकार का प्रयोग करने बूथ पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपनी भागीदारी दर्ज कराने केशव प्रसाद मौर्य सराटू सीट से बूथ पर, सराटू में अब बूथ पर वोट करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि वह सराटू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इस चरण में सराटू में भी वोट डाले जा रहे हैं। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, वोट डालने के बाद उन्होंने कहा है कि हवा में उड़ रही सपा की साइकिल इस बार बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है। आपको बता दें कि वोट डालने के बाद उन्होंने तंज सपा समाजवादी पार्टी सरकार समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। इसके बाद उन्होंने कहा कि हवा में उड़ रही सपा की साइकिल इस बार बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो वहीं उन्होंने अपने परिवार के साथ सराटू में पहुंचकर वोट डाला है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य सराटू सीट से चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं उनके सामने अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल हैं, जहां उनका मुकाबला पल्लवी पटेल से है। आपको बता दें कि इससे पहले भी दोनों कई बार आमने सामने प्रचार में आए थे, लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य के देखना यह होगा कि 10 मार्च को जनता किसके पक्ष, किसको जीत देगी, जनता किसके लिए 10 मार्च को इसका फैसला होगा। आज ईवीएम मशीन में सभी के वोट कैद कर लिए जाएंगे, सभी का फैसला आज कैद कर लिया जाएगा, जिसका पिटारा 10 मार्च को खोला जाएगा। इस कड़ी में आपको बता देते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू सीट से अपना वोट डाल दिया है, जिसके बाद उन्होंने सपा सरकार सपा समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। अच्छा चाहते, रोजगार चाहते, और यह भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोगों ने कोशिश किया है 5 साल में प्रदेश की ओर से और लगभग 8 साल में केंद्र की ओर से। डबल इंजन के बेरोजगारी जो मुद्दा है उसका समाधान कोरोना के इतने भयानक संकट के बावजूद भी हम लोगों ने करने का पूरा प्रयास किया है और लोग संतुष्ट हैं कि जितना अच्छा हो सकता है पूरी दुनिया से अच्छा अगर किसी ने किया है तो हिंदुस्तान ने, और हिंदुस्तान में किसी ने सबसे अच्छा किया है तो उत्तर प्रदेश ने। अच्छा चाहते, रोजगार चाहते। यूपी के 5वें चरण के चुनाव में प्रयागराज के फूलपुर में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग भारी संख्या में बूथ पर पहुंच रहे हैं, तो लंबी लंबी लाइनें लगाकर अपने वोट डालने की बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व पर लोग सभी लोग अपनी भागीदारी दर्ज कराना चाहते हैं और भागीदारी दर्ज कराने के लिए बड़ी भारी भारी संख्या में बूथों पर पहुंच रहे हैं, जहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन के साथ वोट डाल रहे हैं। आपको बता दें कि मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। फूलपुर की जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि फूलपुर की जनता महापर्व में भागीदारी निभाने के लिए बूथ पर पहुंच रही है, जहां हमारे साथ
हाँ, एबीवीटी एबी आपको बता दें कि एबी स्टार के न्यू संवाददाता मोहम्मद इमरान ने जनता से उनका बारे में जाना, जनता से उनके वोट डालने का रीजन जाना, उनके बारे में पता किया है कि जनता का क्या किस तरफ झुकाव है, विकास की तरफ, बदलाव की तरफ, किस लिए जनता फूलपुर में जाकर वोट कर रही है, बूथों पर जाकर जनता इसी कड़ी में फूलपुर की जनता की किन मुद्दों पर वोट डाल रही है, इसके लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान ने जनता से उनका रुख जाना है। फूलपुर में जनता ने किन मुद्दों को लेकर वोट डाला है, इसको लेकर एबी स्टार के संवाददाता मोहम्मद इमरान ने उनसे उनका रुख जाना है। आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़, मैं आपके साथ मोहम्मद इरफान इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के विधानसभा फूलपुर में, जहां पर आज यहां पर 12 विधानसभा में वोट पड़ रहे हैं। तो हम फूलपुर मौजूद हैं, हम यहां के युवाओं से बात करना चाहेंगे कि वो किस मुद्दे पर वोट किए हैं। जी, आपने किस मुद्दे पर वोट किया इस बार? हमने हाथरस के कांड को देखते हुए हमने दिया और लखीमपुर खीरी के कांड को देखते हुए किया, इस महंगाई के खिलाफ वोट दिया और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए के खिलाफ वोट दिया और तेल के दाम बढ़ते हुए दिया और मजबूरी थी कि इस योगी की सरकार के खिलाफ वोट दिया। तो यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि वो किस मुद्दे पर वोट किया आपने भाई साहब। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 5 साल में जब से बीजेपी आई है, तब से महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पे है और बेरोजगारी की तो पिछले कई सालों से 5 साल में बीजेपी सरकार में जितनी भी वैकेंसी आई कोई भी क्लियर नहीं हो पाई। हर में किसी न किसी में धांधली हो जाती है, वैकेंसी आती है, एग्जाम होने से पहले रद्द हो जाते हैं परीक्षा। तो स्टूडेंट का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा मेरे लिए सबसे ऊपर था और इसी को सबसे पहले ध्यान में रखते हुए मैंने बोला। मतलब आपने उम्मीद लगाए रखा कि इस बार रोजगार मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उम्मीद लगाई है कि इस बार रोजगार मिलेगा और अच्छे चादों का मिले हैं तो मैंने उसी मुद्दे को और लोग हैं उनसे बात करना चाहेंगे। भैया, आपने किस मुद्दे पर वोट किया इस बार? हर आदमी को उसकी काबिलियत के हिसाब से जॉब मिला, बाकी सरकार अपने स्तर पे कर रही है, बाकी मतलब मुझे नहीं दी। बाकी यहाँ के लोगों को अलग 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 परेशानियाँ हैं तो कोई भी गवर्नमेंट और लोग हैं उन्होंने वोट करके आया, हम इनसे बात करें। भैया, ये बताइए कि आपने किस मुद्दे पर वोट किया इस बार? वाह, महंगाई वोट किया, क्या लगता है इस बार महंगाई कम हो जाएगी? अपनी जगह यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे बात की कि आखिर उन्होंने इस बार किस जो है मुद्दे पर वोट किया। तुमने बताया कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हमने वोट किया है। मोहम्मद इरफान, एबी स्टार, प्रयागराज। आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।